तो यहाँ से अपने को राइट लेना है, ये सुंदर सा चौक से राइट लेना है। लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, पे लिखा है कानपुर महोबा खजुराहो मंदिर। गाइस तो अभी सुबह के 7:10 हो रहे हैं कि जब हम राइड में होते हैं तो सुबह सुबह नहाना हो जाता है हमारा, और घर में रहते हैं तो 12-1 नहाते आराम से फुर्सत से। फिलहाल गाइस अभी मैं हूँ छतरपुर पे और ये हमारा होटल है, देख सकते हैं ये अपने को 700 रुपए में पड़ा था और एक नाइट अपन यहाँ पे स्टे किया है। हम लोग गए थे बागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए। अभी हम लोग ना प्लानिंग किए थे कि मैयर जाने का प्लस खजुराहो जाने का, तो उसमें से अपन अभी निकल रहे हैं मॉर्निंग पे खजुराहो। खजुराहो क्योंकि यहाँ से पास है, लगभग वही 25-30 किलोमीटर के आसपास में ही है। उसके बाद में है मैयर, तो मैयर तो खैर बाद में देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल हम छतरपुर से निकल रहे हैं खजुराहो के लिए। वीडियो पे बने रहिएगा, पूरा जानकारी देते हुए चलेंगे कि छतरपुर से खजुराहो कैसे जा सकते हैं बाय रूट, प्लस मंदिर कहाँ पर है। तो गाइस ये हमारा उदय रॉयल होटल छतरपुर का और ये हमारी बाइक, तो निकलते हैं खजुराहो। छतरपुर का माहौल देखिए, मॉर्निंग का कितना शांत दिख रहा है छतरपुर भाई। गिने चुने लोग दिख रहे, वो भी साफ सफाई करने वाले लोग हैं और कुछ मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए देख सकते हैं छतरपुर। हम लोग कल पहुंचे हुए थे तो इतना ज़्यादा क्राउड था, क्या ही बताए, बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। यहाँ से मैं सोचा 30 किलोमीटर होगा भाई, लेकिन यहाँ से वही 44 किलोमीटर की दूरी पर है खजुराहो। और ये बहुत खूबसूरत सा मंदिर है और अभी मॉर्निंग में थोड़ा सा ठंड महसूस हो रहा है अपने को, मॉर्निंग में ही ठंड थोड़ा सा महसूस होता है, बाकी समय तो भाई इतना तेज़ गर्मी लगती, इतना तेज़ कि क्या ही बताएं। तो अभी हम लोग वही देख रहे हैं कि हाईवे किस साइड से है, तो मैप लगाए हुए हैं। यहाँ पे ना मार्केट लगती है, जिस रोड से अपन अभी जा रहे हैं ये मार्केट लगती है यहाँ पे। हम लोग यहाँ का मार्केट का व्लॉग भी शूट किए हैं, सिटी का भी व्लॉग शूट किए हैं, देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। मॉर्निंग में भाई मज़ा ही आ जाता है भाई, दिन बड़ा लगता है, वही अगर 10-11 निकलो तो दिन छोटा लगता है। तो यहाँ से अपने को राइट लेना है, ये सुंदर सा चौक है खजुराहो के लिए। सिटी भी बहुत बड़ा सिटी भाई, ये सामने में मार्केट है, ये सीधा सीधा निकल जाओ पूरी मार्केट है। नगर पालिका परिषद छतरपुर 1908-2008 ऐसा करके लिखा हुआ था। और देख रहे हो अच्छा क्लीन सिटी है, मस्त बढ़िया सा साफ सफाई के मामले में भी। रोड एकदम चौड़ी चौड़ी बनी हुई है, उतना भी चौड़ी नहीं है लेकिन हाँ आना जाना आराम से हो जाएगा आप लोगों का। बस ये छतरपुर का रेलवे स्टेशन, तो ये वाली रूट से हम लोग जा रहे हैं हाईवे के लिए खजुराहो। ये देखो हाईवे मिल गया अपने को खजुराहो जाने वाली रूट, और ये सीधा खजुराहो लेके जाएगी मैयर, और ये पीछे तरफ लेके जाएगी झांसी। तो झांसी का तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, झांसी में भी हम लोग 2 दिन के लिए रुके हुए थे और अच्छा भी लगा भाई झांसी, अपने को किला देखे भाई किला। ये सीधा सीधा रूट लेके जाएगी गाइस अपने को खजुराहो, लेकिन हाईवे छोड़ना पड़ेगा, तो कहाँ से अपने को मोड़ना है वो आप लोगों को हम अपने वीडियो के माध्यम से बतला देंगे, कि कभी भी आप बाई रूट आते हैं तो आपको एक जानकारी हो जाए। जब हमारा व्लॉग देख रहे हैं तो जानकारी देना तो बनता है ना, इतना तो बनता है, इसलिए हम जानकारी देते हुए व्लॉग शूट करते रहते हैं थोड़ा सा, इसलिए व्लॉग थोड़ा हमारा बड़ा बन जाता है। लेकिन भाई पूरा एंड तक देखिएगा खजुराहो, आप सब जानते हैं कि कितना सुंदर सा मंदिर है और लगभग 100 साल पुरानी मंदिर है, जो आप लोगों को हम अभी दर्शन कराने के लिए लेके जा रहे हैं। और ये मेरा फर्स्ट टाइम भी है जो मैं खुद दर्शन करूंगा, अपने आंखों से देखूंगा उस मंदिर को। नाम तो बहुत सुना था। यहाँ पे खजुराहो देखो 39 किलोमीटर है, यहाँ से बनना है 62 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पे सब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए बागेश्वर धाम जी का। अगर आप भी जाना चाहते हैं बागेश्वर धाम, तो छतरपुर से लगभग आप लोगों को 25 किलोमीटर आगे आना पड़ेगा, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। ये देखो ये जो रोड बनी हुई है ये गड़ा लेके जाती है, देखो बागेश्वर धाम सिद्धि पीठ आश्रम करके लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ का व्लॉग बना दिया है आप लोगों के लिए, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। तो यहाँ से खजुराहो है 21 किलोमीटर की दूरी पर है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है खजुराहो। और बागेश्वर धाम जाने के लिए यहाँ से लगभग अंदर आप लोगों को 3-4 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। खजुराहो से पहले आप लोगों को ये टोल गेट देखने को मिलेगा, ये टोल गेट आपको पार करके जाना पड़ेगा। और यहाँ से खजुराहो है मात्र 14-15 किलोमीटर की दूरी पर है,
तो ये टोल गेट याद रखिएगा, सीधा सीधा चलना है अभी फिलहाल के लिए। बोर्ड पे लिखा हुआ है खजुराहो, मतलब कि ये हाईवे को छोड़ना पड़ेगा, बनना है सीधा सीधा ये हाईवे। तो ये हाईवे को अपन छोड़ देते हैं क्योंकि अपने को जाने हैं खजुराहो जाने हैं, तो ये सीधा लेके जाएगी पन्ना के लिए, तो पन्ना तो अपने को जाना है नहीं। तो यहाँ से देखते हैं कहाँ मुड़ना है खजुराहो के लिए, लगभग 13-14 किलोमीटर अंदर ही जाना पड़ेगा। मैं सोचा कि हाईवे से ही लगा होगा करके, बट ऐसा है ही नहीं, अपने को अंदर ही अंदर निकलना पड़ेगा गाँव बस्ती होते हुए जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि रूट कटी हुई है यहाँ से। अब मैप भी हमने लगा लिया है, देखते हैं मैप के थ्रू भी अपन चलेंगे और स्थानीय लोगों से भी पूछ लेंगे। यहाँ से राइट लेना है, लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है। ये देखो ना, ये आगे से मंदिर, हाँ नहीं मंदिर कितने बजे खुल जाता है? खुल जाएगा, अच्छा ये वाला नहीं है लेकिन बोर्ड पे यही दिया हुआ था। चलो अच्छा, वह इसीलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये वाला ब्रिज नहीं, आगे वाला ब्रिज से अपने को कट जाना है और बोर्ड पे यहीं पे मेंशन कर दिया भाई, तो ये गलत बात है ना। जिस ब्रिज के पास में अपने को हाईवे छोड़ना है तो वहीं पे ही बोर्ड लगानी चाहिए। पहले से तुम बोर्ड लगा दोगे तो अपने को तो वही लगेगा ना कि यहीं से मुड़ के जाने है करके, तो इसीलिए अपन मैप भी लगाए हुए थे। तो आगे वाला जो ब्रिज है उसके नीचे से अपने को जाना पड़ेगा लगभग 11 किलोमीटर। ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वाला बोर्ड नज़र आएगा आप लोगों को खजुराहो करके, तो यहाँ से अपने को मुड़ जाना है भाई, मतलब कि इससे पहले बड़ा वाला बोर्ड था अभी छोटा वाला बोर्ड लगा दिए हैं, तो इसके नीचे अपन उतर जाएंगे। खैर उतर तो पहले से गए हैं, अब आगे बढ़ते भाई खजुराहो के लिए। 11 किलोमीटर की दूरी पर है खजुराहो यहाँ से, देखते हैं राइट लेना है या फिर लेफ्ट लेना है, वो देखने वाली बात है क्योंकि अपने को आइडिया है नहीं, कभी आए भी नहीं है अपन, और आपको भी अगर कभी नहीं आए हो तो भटकना पड़ सकता है, इसलिए अपन डिटेलिंग में वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ से अपने को लेफ्ट लेना है, बड़ा सा ब्रेकर, ओ कुत्ते। तो ये पन्ना वाली हाईवे अपन छोड़ दिए हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा है कानपुर महोबा खजुराहो मंदिर 11 किलोमीटर, ऐसे करके लिखा हुआ है। और रोड भी आप देख ही सकते हैं, शानदार सा रोड बना हुआ है, क्या बात है भाई, ऐसी रोड बने तो मज़ा आए ना भाई। तो यह है खजुराहो का रेलवे स्टेशन, तो आप खजुराहो रेलवे स्टेशन से भी आ सकते हैं भाई, ट्रेन रूट है भाई यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। बस से तो आ ही सकते हैं, ट्रेन रूट से भी आप आ सकते हैं, ज़मीन बिकाऊ है, अच्छा कौन खरीदेगा बाबा। तो अभी हम लोग ट्रेन रूट से नीचे जा रहे हैं, अंडर ब्रिज बना हुआ है खजुराहो भाई साहब, बहुत बढ़िया। रोड भी एक तरफा बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आप लोगों को, और काफ़ी पवित्र स्थल है ये खजुराहो, नाम ही काफ़ी है भाई। ये खजुराहो का हवाई अड्डा एयरपोर्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है खजुराहो हवाई अड्डा, और यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप हवाई यात्रा से भी आप आ सकते हैं खजुराहो घूमने के लिए, क्या बात है भाई। वेलकम टू खजुराहो, अच्छा से बोर्ड लगा के रखे हुए हैं। बाकी आप लोगों को यहाँ पे होटल भी मिल जाए, रिसोर्ट वगैरह सब बने हुए हैं, जैसे कि आगे आप लोगों को मैं दिखला दूंगा। और यहाँ पर है रविदास मंदिर पवन नगर करके लिखा हुआ है, और क्या सुंदर सा रूट बना हुआ है भाई, एक नंबर, हरे भरे पेड़ पौधे, शानदार सा एकदम, देख रहे हो एकदम, लगता है इसको अभी अभी ही बनाया लगता है ये रूट को, एकदम चकाचक दिख रहा भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्यक्रम भी चल रहे थे, वो बस इस साइड में बने हैं होटल रिसोर्ट सब बने हुए हैं आप लोगों के रुकने के लिए, और काफ़ी सुंदर सा होटल बना हुआ है भाई। देखो यहाँ पे होटल पायल करके लिखा हुआ है, 4 किलोमीटर आगे है, और यहाँ भी होटल बने हुए हैं रुकने के लिए। ये देखो इस तरह से लोग आए हुए हैं, कार ही कार देखने को मिल रहे हैं, देख रहे हो कितना सुंदर सा बना के रखे हुए भाई, मस्त। इधर भी बनी रहे होटल वगैरह,
और खाने पीने की क्या सुविधा है वो भी देख लेते हैं। खुदर नदी करके लिखा हुआ, खुदर नदी। अच्छा, तो अपने को खुदर नदी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। पता नहीं पानी है भी नहीं है, है हल्का सा है पानी, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई के मामले में भी देखो, यहाँ पे गाड़ी घूम रही है बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं भाई खजुराहो, भाई देखने लायक है यार लेकिन खजुराहो। खैर मंदिर तो हर कोई देख के चले जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें कोई नहीं बताता। पुलिस कॉलोनी खजुराहो करके लिखा हुआ है, और देखो यहाँ पे होटल पायल टूरिस्ट विलेज करके लिखा हुआ है, और वेल मेंटेन का काम भी चल रहा है यहाँ पे। और ये देखो ICIC बैंक भी इस साइड में, ये देखो। और पूरा एक सिटी ही दिखला देता हूँ मैं आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। बस बस भी सब खड़ी है खजुराहो। होटल ये देखो, यहाँ भी होटल है भाई, रेस्टोरेंट होटल, मतलब कि खाना भी खा सकते हैं रुक भी सकते हैं। और यहाँ भी है, तो यहाँ पे मतलब कि रुकने की उचित व्यवस्था है भाई, उचित व्यवस्था। पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे, देखो यहाँ भी होटल है, और होटल भी ऐसा छोटे मोटे नहीं, आलिशान होटल है भाई यहाँ पे, अच्छे अच्छे बने हुए हैं। और यहाँ भी होटल है। तो ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बोला हुआ था कि पूरी जानकारी दूंगा खजुराहो के बारे में, इसलिए बता रहा हूँ। देखो यहाँ भी प्रॉपर्टी बन रही भाई होटल की। बाकी आइट साइड में आप देख ही सकते हैं, मस्त हरे भरे पेड़ पौधे हैं, खूबसूरत सा ये लोकेशन है। पास में समय की कमी है नहीं तो हम भी यहाँ पर रुक जाते। और ये देखो खजुराहो मंदिर 1 किलोमीटर है यहाँ से, और सुंदर सा चौक बना हुआ है। ये देखो खजुराहो, क्या बात है भाई, खजुराहो बहुत खूबसूरत सा चौक बना के रखे हुए हैं खजुराहो का। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है मंदिर। इस तरह से काफ़ी सारे होटल है, बैंक है, ATM है, पंजाब नेशनल बैंक। ये देखो होटल, SBI, ATM। देन भाई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, मज़ा आ रहा है, लेकिन अपने को साफ़ सफाई के मामले में भी देख रहे एकदम तगड़ा है भाई खजुराहो। एक भी गंदगी देखने को नहीं मिली अभी तक मुझे तो। देखो ओयो भी है भाई यहाँ पे, ओयो तो ओयो वगैरह भी है भाई। देखो रेस्टोरेंट है भाई साहब, मतलब कि आते हैं भाई टूरिस्ट दबा के आते हैं। खाने पीने के भी स्टॉले देखने को मिल रहे हैं अपने को। टेंपल किधर है बाबा, 64 योगिनी मंदिर, यही लगता है मंदिर। अच्छा वही है क्या?